हेलो भाई, मैं हूँ रमन। सामने गाड़ी खड़ी है निशान मैग्नाइट एक्स वी प्रीम। ये भाई टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल तो है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और खास है इसमें मिलता है, अपने को टर्बो इंजन मिलता है। इंजन वही 1000 cc का, लेकिन थोड़ी पावर ज़्यादा मिलती है भाई। इसमें मिलती है अपने को 100 PS की पावर मिलती है 160 Nm टॉर्क पर। अगर ये गाड़ी कंपटीशन की बात करें तो भाई कंपिटिट में रहती है इसकी मारुति ब्रेजा रहती है, किया सेल्टोस। भाई वैसे तो है इसके कंपटीशन में डायमेंशन वाइज, लेकिन इंजन वगैरह स्पेस देखे भाई वो इनसे थोड़े बड़े सेगमेंट में चली जाती है, क्योंकि उसमें भाई 1.5 लीटर का 1.5 लीटर इंजन मिलता है इसमें 1 लीटर का। अगर भाई इसके डाइमेंशंस आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, गाड़ी का करेंगे आज आप डिटेल रिव्यू, इसमें क्या कुछ फीचर मिलते हैं। ये भाई टॉप मॉडल तो अपने वो सब कुछ अलॉय व्हील वगैरह मिलते हैं। तो चलो भाई वो गाड़ी के फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं और भाई देखते हैं क्या कुछ फीचर इसमें अपने को देखने को मिल जाते हैं। अगर भाई गाड़ी के फ्रंट से बात करें तो कुछ इस टाइप के अपने को ग्रिल देखने को मिल जाती है बीच में, पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में बड़ा सारा इसमें निशान का लोगो मिल जाता है। लेकिन भाई ग्रिल तो है, लेकिन भाई इसमें एक साथ में खास बात हो रहा है, इसमें मिलता है अपने को 360 कैमरा। जैसे एक तो ये रहा, और जैसे दो ORVMs पर एक अपने को इसमें रियर में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ये देखो भाई, ये ORVM के नीचे मिल जाता है, दूसरी साइड ये मिल जाता है। तो भाई इनसे भी काफ़ी अच्छी मतलब प्रीमियम हो जाती है ये वाली गाड़ी। भाई ग्रिल की साइड में अपने क्रोम की कार्निश देखने को मिल जाएगी। लाइट्स की बात करें, इसमें अपन को कंप्लीट LED लाइट्स मिल जाती है विद DRLs। अगर नीचे बात करें तो भाई नीचे अपने को यहाँ पर क्रोम देखने को मिलेगा, उससे नीचे अगर हो जाए तो हम यहाँ पर अपने को फोग लैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर गाड़ी में भाई आगे बढ़े तो कुछ इस टाइप का इसका बोनट नज़र आता आगे से। भाई क्लैडिंग देख लो भाई, क्लैडिंग बहुत बहुत मोटी मोटी है, मतलब रिनोल्ट और मतलब निशान की भाई सेम सेम सी गाड़ियाँ रहती है थोड़ी थोड़ी। अगर इसके टायर सेक्शन की बात करें, इस टाइप का कुछ इसका ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है। टायर साइज़ की बात करें भाई 195/60R16, तो भाई 16 इंच का इसमें अपने को अलॉय व्हील देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में अपने को नॉर्मल ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर निशान मैग्नाइट लिखा हुआ है। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर अपने को नॉर्मल वाले ही वाइपर मिल जाते हैं, जो अपने विंडशील्ड को एकदम मस्त क्लीन बना देती है। इन्हें आप बंद कर लेते हैं। अगर साइड में ORVMs की तरफ बढ़े तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में इसके ORVMs देखने मिल जाते हैं विद LED इंडिकेटर। यहाँ पर अपने को 360 कैमरा भी देखने को मिलता है। अगर भाई गाड़ी में आगे तरफ बढ़े तो इस टाइप के अपने को इसमें डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। अगर पॉकेट में चाबी है तो यहाँ से ये बटन प्रेस करके आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसमें अपने टॉप मॉडल है तो भाई रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है, जो भाई गाड़ी को मतलब SUV वाला एक मतलब परफेक्ट लुक दे देती है। अपने को माइक्रो एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना, मतलब टॉप मॉडल में भी नहीं अवेलेबल है। यहाँ पर क्रोम की गार्निश मिल जाती है। यहाँ पर अपने को ब्लैक कलर के इसके ABC जितने पिलर्स हैं सारे ब्लैक कलर के ही मिलते हैं। अगर भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें अपने को 40 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो भाई एक SUV के लिए बेस्ट फ्यूल टैंक माना जाता है। यहाँ पर मोटी मोटी अपने को क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। अगर भाई गाड़ी के रियर की साइड बढ़ें तो कुछ इस टाइप के अपने को इसकी LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है। इसमें अपने को रिवर्स लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। अगर आगे बढ़ें तो इसमें अपने को हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाता है LED। यहाँ पर वाइपर देखने को मिलता है, वाइपर भाई इनके बेस मॉडल में भी वाइपर आता है भाई। लाइट्स इस टाइप के इसकी कुछ LED, निशान का लोगो मिल जाता है, मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाती है। अगर भाई गाड़ी में आगे बढ़ें तो इसमें अपने को 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा मिल जाता है, और वाइपर इनका भाई बिल्कुल सही रहता है। मतलब बेस मॉडल में यार कौन देता है वाइपर। इस प्रकार का माइक्रो एंटीना मिल जाता है अपने को यहाँ पर। नीचे भाई टर्बो की बैजिंग मिल जाती है। इसमें अपने को 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ड्यूल टोन बम्पर मिल गया इसमें अपने को। तो भाई ये चलो बाहर से तो आपने बात कर ली, अब गाड़ी के अंदर देखते हैं अंदर क्या कुछ फीचर मिलते हैं। तो भाई बाहर से तो आपने बात कर ली, अब गाड़ी के अंदर से और देख लेते हैं अपने को क्या कुछ फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर का मैं आपको बताऊँ, हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, नीचे अपने को फैब्रिक फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर अपने को आल्टो वाले लॉक अनलॉक वाले मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर सिल्वर कलर में इसके डोर ओपनर मिल जाते हैं, नीचे बोतल होल्डर मिल जाता है। ये जो मैं बता रहा था फैब्रिक फिनिश भाई, ये थोड़ा लॉन्ग जर्नी जाना तो यहाँ पर हैंड वगैरह रखते हैं ना, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पर ORVMs के कंट्रोल, यहाँ पर चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं। नीचे इसमें अपने को 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम में। यहाँ पर बोतल होल्डर है, सीट इसकी फैब्रिक की मिलती है अपने को, या भी मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई अंदर क्या कुछ फीचर मिलते हैं अपने को। तो भाई इस टाइप का इसका कुछ स्टीयरिंग व्हील लगता है। ये अपने को कंपनी से ही लेदर रैप्ड मिलता है विद वाइट स्टिचिंग।
यहाँ पर वाइपर्स के स्टोक्स मिल जाते हैं, बीच में अपने को निशान का लोगो मिल जाता है हॉर्न पर, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर हेडलाइट्स के स्टोक्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स मिल जाते हैं इस साइड, नीचे हेडलैम्प लेवर और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। इस साइड बात करें तो भाई अपने को कुछ ऐसे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और फ्रंट में अपने को सेफ्टी के नाम पर दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल जाता है। 8 इंच की इसमें अपने को ये स्क्रीन देखने को मिल जाती है, इसमें कार प्ले या फिर एंड्रॉयड सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर इसके हजार्ड लाइट्स के लॉक अनलॉक के कंट्रोल मिल जाते हैं, नीचे इसका अपने को ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर इसका कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है। गियर नॉब कुछ इनका मतलब हर गाड़ियों में से ही मापता है, नीचे से ऊपर मतलब करके रिवर्स गियर लगा सकते हैं, ऐसा ही है। हैंड ब्रेक मैनुअल मिलता है अपने को, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और आर्म रेस्ट भी अपने को फैब्रिक में मिलता है, ये ओपन नहीं होता है। अगर IRVM देखें तो भाई डे नाइट वाला नॉर्मल मिलता है इसमें। सनवाइजर पर इस साइड अपने को मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं है इस साइड, यहाँ पर माइक मिल जाता है, इस साइड अपने को इसकी लाइट देखने में मिल जाती है। अभी मैंने थोड़ी बुक की नहीं लगाई तो ये ऑन नहीं हो रही है। अगर उस साइड इसके सनवाइजर पर बात करें तो इस साइड भी अपने को मिरर देखने में मिल जाता है, इसमें भी अपने को लाइट नहीं मिलती है। तो भाई लाइट एक साइड इन्होंने प्रोवाइड करवानी थी। अगर ग्लोव बॉक्स की बात करें तो भाई ये थोड़ा अपने को डीप देखने में मिल जाता है, इसमें अपना फ़ोन वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से रखे जाएंगे, मतलब तो ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो भाई ये देखो मैं इसके लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे बताया था इसमें अपने को 3 हैलोजन लाइट्स मिलती हैं। तो भाई ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है इस टाइप का, इसमें अपने को डिजिटल स्पीड शो होती है। ये इसकी स्क्रीन भी ऑन कर ली है मैंने, इसमें सबसे पहले निशान का लोगो बना तो आता है भाई। 8 इंच के इसमें अपने कार प्ले वगैरह सब कुछ मिल जाता है, वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं और वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और 4 स्पीकर और 2 ट्विटर से साथ इसका म्यूजिक सिस्टम एकदम मस्त हो जाता है। तो आगे से तापा ने कंप्लीट बात कर ली, अब पीछे बैठ के देखते हैं पीछे स्पेस की कमी तो नहीं है। पीछे वाले डोर बताऊं भाई, इस पर अपने को फैब्रिक फिनिश देखने को मिल जाती है, अगर पीछे कोई बंदा बैठेगा ना तो वो भी कंफर्टेबली बैठ सकता है। इसमें अपना सीट के हेड रेस्ट होते हैं वो अपने को एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं फ्रंट वाली सीट्स के भी, तो ये भी थोड़ा सही है। अब अंदर बैठ जाते भाई, लेग रूम भी गाड़ी का काफ़ी सही है, पीछे भी अपने को एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और नीचे अपने को 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, अगर कोई पीछे बंदा बैठेगा तो वो भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकता है। इस साइड अपने को बोतल होल्डर मिल जाता है, 3 अपने को इसमें ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, पीछे वाली लाइट से ये भी अपने को पीला बल्ब मिलता है। तो वही कुछ इस टाइप की गाड़ी की मतलब इंटीरियर है, ठीक है, ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं बोल सकते, बाकी अच्छा है बजट के हिसाब से। ये गाड़ी की प्राइसेस बताऊँ, ये अपने को 10 लाख तक ऑन रोड मिल जाती है, और कॉम्पैक्ट SUV अगर इसका बेस वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। अब गाड़ी के बूट के बारे में बात कर लेते हैं भाई, पीछे भी मतलब स्पेस वगैरह काफ़ी सही लगा मेरे को। गाड़ी का बूट ओपन कर लेते हैं, इसमें अपने को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बूट में, ये बटन प्रेस करके आप ओपन कर सकते हैं अगर पॉकेट में की हो तो। तो भाई इसका कुछ इस टाइप का बूट मिलता है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा हो ये कितने लीटर्स का है, इस टाइप का अपना इसका रेड कलर का स्पेयर टायर का रिम मिलता है जो कि 1 इंच छोटा है, यहाँ पर टूल्स मिल जाते हैं। अभी इसके बूट को तो अपन बंद कर लेते हैं। तो भाई यही था कुछ गाड़ी का डिटेल रिव्यू, आप कमेंट करके बताना आपको मतलब कैसी लगी गाड़ी, मतलब प्राइजेस के हिसाब से देखें तो बेस्ट गाड़ी है। तो भाई गाड़ी का डिटेल रिव्यू तो अपन ने कर लिया है, तो भाई यही थी कुछ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।